अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता सियासत के नाम पर सिर्फ नौटंकी करते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं और मौका मिलने पर कानून तोड़ने से भी बाज नहीं आते। ऐसी ही हरकत आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने की तो दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर करार दिया। अब अमानतुल्लाह खान चाहते हैं कि उनके ऊपर लगा ये बैड कैरेक्टर का टैग हट जाए। इसके लिए वे हाईकोर्ट पहुँच गए, लेकिन कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका को रद्द कर दिया। मतलब कि बैड कैरेक्टर का टैग अमानतुल्लाह खान पर आगे भी चिपका रहेगा। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित पुलिस उपायुक्त ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में कारण बताए हैं। इसके साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि खान अगर चाहे तो दिल्ली पुलिस को इस टैग को हटाने के लिए संपर्क कर सकते हैं और वे इस संबंध में ज्ञापन सौंप सकते हैं। मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायाधीश ने अक्टूबर 2022 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। खान के वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने दावा किया कि अधिकारियों ने इस मामले में पूरी तरह से गलत तरीके से काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिस्ट्री शीटर एक गोपनीय दस्तावेज होता है, लेकिन प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रवक्ता ने खान की छवि खराब करने के लिए इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है। दिल्ली की जामियानगर पुलिस स्टेशन ने 28 मार्च 2022 को ओखला विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने के प्रस्ताव को भेजा था। प्रस्ताव को 30 मार्च 2022 को मंजूरी दे दी गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि खान के खिलाफ विभिन्न मामलों में 18 FIR दर्ज हैं। शाहीनबाग और मदनपुर खादर में MCD द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अमानतुल्लाह खान ने हंगामा किया था। पुलिस कर्मचारियों ने आरोप भी लगाया था कि बवाल के दौरान हंगामे के दौरान उन पर पथराव भी किया गया था। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था। विधायक की गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में साकेत कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह को बैड कैरेक्टर यानी BC घोषित कर दिया था। खान को सितंबर 2022 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। छापेमारी के दौरान खान के सहयोगियों के यहां से ₹1,00,000 कैश, बिना लाइसेंस वाला हथियार बरामद किया गया था। हालांकि ₹1,00,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।